ये जो आप काफ्तान ड्रेस देख रहे हैं इसको बनाया है मैंने अपनी साड़ी से, और ये जो हाफ एंड हाफ साड़ी होती है ना, तो उसका ये एक पार्ट है, तो बाकी हिस्सा प्लेन था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रीयूज करूँ। तो ये लगभग मेरी साड़ी का हाफ पोर्शन होगा 2.5 मीटर के बराबर। तो देखिए अब इसमें मैं कोई लाइनिंग नहीं लगाऊंगी क्योंकि सेम मेरे पास रेड कलर का कैमिजोल है, तो लाइनिंग लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप चाहो तो इसमें स्टिच करते वक्त लाइनिंग भी अटैच कर सकते हैं या फिर आप इसमें कैमिजोल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए आपको कोई कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने कपड़े को जिस तरीके से फोल्ड करा है, ये देखिए एक बार ये फोल्ड है ऊपर से, ये आप हिस्सा देख रहे हैं। तो आपको कुछ भी कटिंग नहीं करनी है, बस आपको अपनी नाप पता होनी चाहिए। कपड़े को देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे कि ये जो इसके खुले हिस्से हैं ये आपके एक साइड में आ जाए। देखिए ऊपर से पहले ही फोल्ड कर रखा था, उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब सबसे टॉप पर देखिए इस तरह से निशान लगाना है। आप अपने शोल्डर का नाप ले लें, मेरा शोल्डर का नाप 14 इंचेस है, तो उसका हाफ मतलब 7 पे निशान लगा लूँगी। बस आपको निशान लगाना है और उसके बाद यहाँ से 7.5 इंच नीचे आएंगे, इस तरीके से आर्महोल पे निशान लगा लेंगे। आर्महोल पे निशान लगाने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट लगेगा ये चेस्ट का, और इस चेस्ट का 1/4 लेना है प्लस 2 इंच इसमें ऐड करना है, उस पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। इसके बाद देखिए ऊपर जो हमने शोल्डर पे निशान लगाया था वहाँ से इंची टेप रख करके आपको 14 इंच पे निशान लगाना है, और ये है हमारा वेस्ट पॉइंट, तो आपको 14 इंच पे इसको निशान लगाना है। फिर उसके बाद आपका वेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसका 1/4 प्लस 2 इंच इसमें ऐड कर देना है। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से 9 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इसके बाद वेस्ट जो हमने पॉइंट लगाया था वहाँ से 5 इंच नीचे आएंगे, ये है हमारा हिप का पॉइंट, तो आपको हिप का भी 1/4 करना है प्लस उसमें 2 इंच ऐड करना है और उसको निशान लगा लेना है। तो देखिए इस तरीके से सारे निशान लग गए हैं, आपको इनको मिला लें। तो इसमें कोई कटिंग तो करनी नहीं है आपको, बस इसमें जो आपने निशान लगाए हैं आपको इस पर स्टिचिंग करनी है। लेकिन स्टिचिंग करने से पहले इसमें नेक भी बना लूँगी क्योंकि कोई जॉइंट नहीं है, इसलिए शोल्डर भी कट नहीं हुए हैं। तो आपको इसी तरीके से मैं जो तरीका बता रही हूँ आपको इसी तरीके से आपको नेक बनाना बताऊँगी। तो देखिए ये एक और ख़ास ट्रिक है, अगर आपके पास कोई बकरम नहीं है तो अगर आपको कुछ अर्जेंट या फिर कुछ आपको ऐसा इस तरह का DIY करना है, तो इस तरीके से ये ख़ास ट्रिक से आप अपना नेक बना सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ पेपर, ये जो हम आर्ट शीट वगैरह यूज़ करते हैं सेम वही पेपर है। तो सबसे पहले पेपर पे कटिंग कर लेंगे, और नेक बनाने के लिए यहाँ पर मैं 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगा लें। अब आपको जितनी भी लेंथ चाहिए नेक की उतना आप ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पे निशान लगाऊंगी, मुझे इसकी डेप्थ चाहिए 7 इंच। तो इस तरीके से पूरा स्क्वायर बना लें, नीचे भी 2.5 इंच पे निशान लगा लें और इसको मिला लें। तो इस तरीके से आप अब आपको जो भी शेप देना है आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। मैं वी नेक बनाऊंगी तो ऊपर से इसको मिला लूंगी, तो ये वी नेक बन जाएगा। अब इसके बाद इसमें 1-1 इंच पे निशान लगा लें और इसकी कटिंग कर लें। देखिए यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है, अब मैं रेड कलर का फैब्रिक लूंगी और इसको कवर कर लूंगी। तो देखिए नेक तो हमने पूरा बना लिया है, अब इसको जो हमने कपड़ा था उसको खोल लेंगे और इसको सेंटर पे इस तरीके से अपना ये जो नेक बनाया है इसको रख देंगे। खोलने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये हमने कोई कटिंग तो करी नहीं है, तो हमको उसका सेंटर पार्ट चाहिए। तो सेंटर पे इसको रख करके इस तरीके से फ्रंट में ऐसे रख लेंगे, और इसका बैक में नेक भी बनाएंगे, उसको बाद में कटिंग करेंगे। तो
तो इस तरीके से आपको किनारे किनारे वी नेक को स्टिच कर लेना, उसको फिर कटिंग करके हम पलट देंगे। और पूरा डिटेल देखने के लिए आप नेक अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो मेरे आप वीडियोस को चेक कर सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो देखिए नेक भी कट कर लिया है और इसको आप पलट देंगे, तो जब आप पलट देंगे ना तो इसको देखिए जो येलो येलो दिख रहा है आपको वो भी अंदर चला जाएगा और पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। अब आप इसमें हेमिंग कर लीजिए, तो ये तो बाद का पार्ट है, इसको बाद में मैं हेमिंग कर लूँगी, अब आपको आगे का भी प्रोसेस दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैक नेक भी बना लिया है और इसको नॉर्मल सा कट करके इसमें पाइपिंग लगा दी है और ऊपर फ्रंट में इस तरीके से सुंदर सी लेस लगा दी है। तो ये तो नेक हमारा कंप्लीट हो गया है, अब स्टिचिंग की बारी आती है। तो स्टिचिंग में आपको देखिए आर्मोल को छोड़ देना है और वहाँ से जो जो निशान लगाए थे चेस्ट का और हिप का और वेस्ट का वहाँ तक हमको पूरा सिल लेना है। बस आपको ध्यान ये देना है कि जो हमने निशान लगाए हैं उसी पे ही मशीन चलानी है। और इसमें खास बात क्या है कि देखिए इसमें हमको ऊपर से सिलाई चलानी है, वैसे जब भी हम कोई कपड़ा सिलते हैं तो उसको कपड़े को उल्टे साइड से सिलते हैं, लेकिन इसमें ऊपर से ही आपको सिलाई चलानी है, तभी इसमें आपको वो पूरे फ्लेयर अच्छे से दिखेंगे। ठीक है, तो जो निशान लगाए उस पर उसी पर आप सिलाई चला लीजिए। और इसी तरह से दूसरे साइड को भी स्टिच कर लेंगे। और नीचे की तरफ मैं स्टिच नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं पीको कर लूँगी तो उसे और अच्छा फ्लेयर आ जाएगा, क्योंकि ये शिफॉन का कपड़ा है इसलिए। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा भी थिक फैब्रिक हो तो आप इसको फोल्ड करके स्टिचिंग कर लें। तो देखिए पूरा काफ्तान बन करके रेडी हो चुका है। इसके फ्रंट में मैंने थोड़ी सी प्लीट को आगे टक कर दिया है और एक लेस को कट करके एक अच्छा सा मोटिफ बन गया है ये। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, बहुत सुंदर लगता है ये। तो देखिए पूरा हमारा काफ्तान बन चुका है, कोई भी कटिंग नहीं करी हमने, सिंपल सा नेक रखा है और कितने आसान तरीके से ये बन गया है। तो अगर आपके पास कोई भी दुपट्टा या फिर साड़ी हो तो आप इस तरह से इसको काफ्तान में कन्वर्ट कर सकते हो और बहुत ही सुंदर सा ड्रेस अपने लिए बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा मेरे चैनल को और इस वीडियो को भी।